हेलो दोस्तों, प्रसन्न मैं चला ऑपरेटिव एडिटोरियल में आपका स्वागत है। आपको पता है रोज इस चैनल पे एक एक पेटीएम रिलेटेड वीडियो आता रहता है, क्योंकि जब भी पेटीएम में कुछ नया अपडेट आए, नया कैशबैक वाला ऑफर आए, नया प्रोमो कोड आए, तो हम हमारे चैनल पे पहले भी वो वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, क्योंकि आपको वो आपको उसके बारे में पता लगा और आप भी पेटीएम से अपडेट रह सके और पेटीएम से काफ़ी सारा अर्निंग कर सके। बेशक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है तो पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड आप कैसे इश्यू कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या है, उसमें आपको क्या क्या फीचर मिलेगा, उसका क्या क्या चार्जेस रहेगा, कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम डेबिट कार्ड के बारे में। अगर आपको पेटीएम डेबिट कार्ड के बारे में जानना है तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए, मैं आपको पूरी पेटीएम डेबिट कार्ड के बारे में सारे कुछ डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वीडियो पहले देख सके। अगर आपको पेटीएम बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जाइए मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पेटीएम करके प्ले लिस्ट लिंक होगा, उस लिंक को ओपन करके पेटीएम बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो बात करते हैं पेटीएम डेबिट कार्ड का। देखिए आपको पता है जब भी मैं पेटीएम में एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और पेटीएम फुल केवाईसी करते हैं तो वहाँ पे एक पेटीएम पेमेंट बैंक में आपका सेविंग अकाउंट ओपन होता है। जैसे कि अदर बैंक का सेविंग अकाउंट होता है, वैसे पेटीएम का सेविंग अकाउंट भी नॉर्मली से आप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको डेबिट कार्ड का फीचर मिलता है। अगर आप पेटीएम डेबिट कार्ड को ऑफलाइन भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऑनलाइन भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन में अगर आपका पेटीएम डेबिट कार्ड आपको मंगाना नहीं है तो आपको हार्ड नहीं चाहिए, शॉप में चाहिए, तो आप अपना जो भी पेटीएम डेबिट कार्ड है उसका वहाँ पर पेटीएम कार्ड का नंबर CVV सब कुछ यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका पेटीएम डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लें, और पहले उसके बात करते हैं फीचर के बारे में और उसका आपको कोई चीज़ के आपको ऑर्डर करने से पहले आपको उसके चार्जेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारा फीचर तो हर किसी में मिलते ही है, मगर उसका चार्जेस क्या है, हमको कितना चार्जेस देना पड़ेगा उसके लिए, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप पेटीएम डेबिट कार्ड इश्यू करते हैं तो फर्स्ट टाइम पेटीएम डेबिट कार्ड इश्यू करने के लिए आपको 250 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम पेटीएम का डेबिट कार्ड इश्यू करने के लिए। तो जो उसका ईयरली चार्जेस है 150 रुपीज़ ईयरली चार्जेस है। अगर आप पेटीएम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप पहली बार जब ऑर्डर करें तो 250 रुपीज़ आपको चार्जेस पड़ेगा, उसके बाद मंथली आपको ईयरली आपको 150 रुपीज़ चार्जेस देना पड़ेगा। तो उसे जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, आप अगर आप कहीं पर भी आप 3 टाइम आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, अगर कहीं भी कोई भी ATM में आप कोई भी ATM में करेंगे तो 3 टाइम आपको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अब फ्री 3 ट्रांजेक्शन करने बाद आपको वहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे भी कैश विड्रॉल करते हैं तो कैश विड्रॉल के लिए आपको देना पड़ेगा 25 रुपीज़ और आपका जो भी बैलेंस चेक करने के लिए आपको देना पड़ेगा 9 रुपीज़। अगर देखिए ये मेट्रो और नॉन मेट्रो में कुछ अलग अलग है, आप वहाँ पे वो सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं, मैं आपको वो कहाँ देखना है उसके बारे में बता दूंगा। अभी बात करते हैं ट्रांजेक्शन लिमिट आपका क्या रहेगा। जब भी आप ट्रांजेक्शन लिमिट देखिए, हम जब भी ट्रांजेक्शन लिमिट के बारे में बात करेंगे तो आप वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप 2 लाख रुपये तक कर सकते हैं और POS में भी आप 2 लाख रुपये तक कर सकते हैं और डेली टैप टू में डेली आप 10,000 रुपये तक करते हैं और ATM में विड्रॉल 25,000 तक कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल बैंक का जो ट्रांजेक्शन लिमिट होता है पेटीएम पेमेंट बैंक का भी वही सेम ट्रांजेक्शन लिमिट है, आप इस सेम ट्रांजेक्शन लिमिट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम उसको ऑर्डर कैसे करें। देखिए आपको पेटीएम पेमेंट बैंक आपको है, अगर आप डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम कैसे ऑर्डर करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए ये जो मेरा इंटरफेस खुल चुका है, अभी हम पेटीएम है और पेटीएम बैंक को ओपन करके जो भी पासवर्ड एंटर करता हूँ तो पेटीएम में पेटीएम सर्वर में चला जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको पेटीएम का पूरा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर नीचे डेबिट कार्ड का ऑप्शन है तो हम डेबिट कार्ड ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर डेबिट कार्ड का पूरा ऑप्शन खुल जाएगा। तो पहले पेमेंट सेटिंग आता है, आप यहाँ पर पेमेंट लिमिट को बंद ज़्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इंटरनेशनल यूज आप चाहे तो इंटरनेशनल यूज कर सकते हैं और इंटरनेशनल यूज को बंद भी कर सकते हैं। बात करते हैं अभी व्यू, तो आपका यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या चार्जेस। देखिए यहाँ पर आप इंस्टेंट पिन चेंज कर सकते हैं, पिन जनरेट कर सकते हैं, टेम्परेरी कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, आप लिमिटेड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लिमिट यूज़ का कोई लिमिट सेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल में आप ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, आप इंटरनेशनल में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप टैप टू पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है टैप टू पे अभी अगर आप कहीं पे भी टैप टू पे का आपका कार्ड है, अगर आप वहाँ उसको पेटीएम पे या आप गूगल पे पे ऐड किए तो वहाँ पर टैप करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा फीचर यहाँ पर डेबिट कार्ड के मिल रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से। तो बात करते हैं आप यहाँ पर कार्ड ब्लॉक आसानी से आप कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, कहीं भी आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। और बात करें ऑर्डर और डेबिट कार्ड, अभी यहाँ पर ऑर्डर करना है आपको कैसे, तो ऑर्डर पर डेबिट कार्ड पर जाना है। जब भी आपको ऑर्डर डेबिट कार्ड पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का पूरा इंटरफेस आ जाएगा और आपको डेबिट कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपके वॉलेट में 250 रुपीज़ होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये इंटरफेस है और आप इसी एड्रेस से मंगा सकते हैं। तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक है,
तो यहाँ पर आप चार्जेस भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर लिमिट बैंक अकाउंट तो कितने ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पर आपको यहाँ पर फुल ट्रांजेक्शन है। अगर आप मेट्रो पे है या नॉन मेट्रो पे है तो यहाँ पर आप अपना ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। आप कहीं पर एरिया पे है तो इससे आपका ट्रांजेक्शन लिमिट होगा। देखिए आप अगर मेट्रो पे है तो टोटल 21 रुपीज़ और बैलेंस चेक लिए 8 रुपीज़ हो गया। अगर आप 3 टाइम आपको फ्री मिल रहा है 3 टाइम बाद आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये नॉन मेट्रो भी सेम है, 21 रुपये आपको विड्रॉल करने के लिए 3 बार के बाद और 8 रुपये आपको ट्रांजेक्शन बैलेंस चेक करने के लिए मिनी स्टेटमेंट के लिए होगा। अभी बात करते हैं उसका ऑर्डर कैसे करें। तो ऑर्डर करने के लिए आपका जो भी आप एड्रेस है तो वहाँ पे काफ़ी सारा फ्रेंड का प्रॉब्लम होता है एड्रेस। देखिए ये एड्रेस अगर आप इसी एड्रेस से नहीं और कोई दूसरे एड्रेस से मंगाना चाहते हैं तो कैसे मंगा सकते हैं। ये जो एड्रेस होता है जब भी आप KYC करते हैं KYC टाइम ये एड्रेस सेव होता है। तो आप दूसरा एड्रेस कोई भी कहीं पर भी एड्रेस सेव करने के लिए प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे, प्रोफाइल सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर एक सेव एड्रेस का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर सेव एड्रेस के ऊपर क्लिक करके अपना ये जो एड्रेस पहले से यहाँ पर दिख रहे हैं तो आप न्यू एड्रेस कर सकते हैं। अगर आप अगर नहीं करेंगे तो आप आपका जो ट्रिपल डॉट है उसको क्लिक करके एड्रेस को एडिट भी कर सकते हैं, एड्रेस को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे करके बैक चलिए, आपको एड्रेस भरना है तो यहाँ पर भर चुके और बैक चलिए। बैक करने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक को ओपन करिए तो यहाँ पर आपका देखिए जो एड्रेस वहाँ पर आप सेट किए होंगे तो उसी में ऑर्डर जब भी डेबिट कार्ड ऑर्डर पर जब जाएंगे, जैसे मैं डेबिट कार्ड ऑर्डर पर चलता हूँ, जब भी डेबिट कार्ड ऑर्डर पर चलूँगा तो वो एड्रेस यहाँ पर सेव होगा और आप यहाँ पर अपना जो भी डेबिट कार्ड है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। जब भी डेबिट कार्ड ऑर्डर करें जो एड्रेस आप भरें उसी एड्रेस में आपका आ जाएगा और आप चाहें उसको अब चेंज भी कर, जो भी ट्रांजेक्शन लिमिट होता है वो या अपना जो भी पिन होता है वो इंस्टेंटली जनरेट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था पेटीएम पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड के बारे में बेनिफिट फीचर, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए कितना चार्जेस पे पूरा कंप्लीट डिटेल्स में। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा डिटेल समझ जाएगा। अगर आपको फिर भी अभी तक समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करिए क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप जाए और वीडियो पहले देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई बात और कुछ नई जानकारी।